दोस्तों एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध की आग में क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गांव के कई लोग बुद्ध के इस उपदेश को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं लोगों में एक बहुत क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था। बुद्ध की ये बात सुनते ही वो गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि बुद्ध तुम तो पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है और तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्रोधी व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर बुद्ध ये सब बातें शांति से क्यों सुन रहे थे। बुद्ध को शांत देखकर वो व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया और वो व्यक्ति वहां पर थूक कर चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने उपदेश देना फिर से शुरू कर दिया। वो क्रोधी व्यक्ति जब अपने घर पहुंचा तो उसका मन शांत हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उस समय तक रात हो गई थी। अगले ही दिन वह सुबह जल्दी उठा और बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन बुद्ध उस गांव से निकल चुके थे। वो व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए पास के गांव में पहुंच गया। वहां जैसे ही उसे बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि क्या आप कल की बातें भूल गए, मैंने कल आपका बहुत अपमान किया था। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। दोस्तों बुरी बातें याद करते रहने से हमारा वर्तमान भी बिगड़ जाता है, मन अशांत हो जाता है। इसलिए बीते हुए कल की दुख देने वाली बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और इससे बचना चाहिए, तभी जीवन में सुख बना रहता है। दोस्तों यदि आपको यह भी जानना है कि अशांत मन को एकदम आसान तरीके से कैसे शांत किया जाए, तो आप भगवान बुद्ध की ये वीडियो देख सकते हो जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रही है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।